हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अरशद, आपका स्वागत है एक बार फिर से न्यू महात्मा गांधी सेतु के वर्क अपडेट में। तो आज का जो अपडेट है ना भाई, वो आपको काफ़ी दिल खुश कर देगा। और सब पहली बार जो है सो न्यू एमजी सेतु, जो न्यू महात्मा गांधी सेतु है, उसका देख लीजिए कॉन्क्रीट, मतलब उसका जो स्लैब है उसको ढाल दिया गया है। मतलब पहला स्पैन जो है, कहिए पहला स्पैन को ढलाई कर दिया गया है। क्योंकि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो लेटेस्ट अपडेट है, सबसे पहले मैं आप लोगों को तस्वीर दिखा रहा हूँ न्यू महात्मा गांधी सेतु का। देख लीजिए ये स्लैब जो है सो सबसे पहले ढाल दिया गया है। पहला स्पैन कह सकते हैं, जो आई गटर रखा गया था, आई गटर जो लॉन्च हुआ था उसका समझ लीजिए, सबसे पहले जो है सो यहाँ पर स्लैब ढाल दिया गया है। और इधर में देख लीजिए, इधर में काफ़ी सारा काम अभी बचा हुआ है। फिलहाल मैं गांधी सेतु के पास मौजूद हूँ। जो सामने गांधी सेतु, पुराना वाला जो गांधी सेतु है, वो भी दिख रहा होगा। और गाय घाट के पास बिल्कुल मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए ये वाला स्लैब जो है ढाल दिया गया है। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर आया था अपडेट देने के लिए, तो इसका जो है सो लॉन्चिंग का काम चल रहा था। जो आई गटर है नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये लॉन्चिंग का काम जो है सो हो रहा था। लेकिन आज के डेट में जब आप आएंगे तो भाई सबसे मतलब कि गुड न्यूज़ है कि नए वाले गांधी सेतु का भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, इस तरह से कह सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो स्लैब है वो पूरा ढाल दिया गया है। और आगे भी आई गटर काफ़ी सारा लॉन्च हो चुका है। तो अगर मैं गिनती करूँ तो काफ़ी सारा मतलब कि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्पैन है जिसमें आई गटर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो कि मैं देख सकते हैं पुराने वाले गांधी सेतु के अप्रोच रोड पर हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए पहला जो स्पैन है, ये स्पैन यहाँ पर देख लीजिए ढलाई कर दिया गया। मैं आप लोगों को उधर से भी तस्वीर दिखाया और इधर से भी तस्वीर दिखाया, आप देख सकते हो यहाँ पर कितना तेज़ी से काम हो रहा है। ये वाला तो ढलाई हो गया। और ये मेरे पीछे जो स्पैन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो आई गटर लॉन्च हो चुका है, ये आई गटर लॉन्च हुआ है उसके बाद इसके ऊपर भी स्लैब ढालने का काम चालू होने वाला है। जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं 7-8 स्पैन है जो कि आई गटर लॉन्च हो चुका है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, वहाँ से लेकर के यहाँ सर 8 स्पैन समझ लीजिए रेडी है, जिसमें आई गटर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और उसके ऊपर स्लैब ढालने का काम जो है वही बचा हुआ है। बाकी इधर में देख सकते हो आप, ये बिल्कुल मैंने आप लोगों को तस्वीर दिखाया। और भाई ये हाजीपुर से लेकर के पूरा 0 माइल तक बनने वाला है, 14.5 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। चलिए इसका कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जो कि हाजीपुर के साइड में और बनने वाला है। और ये जो ब्रिज बनेगा ना, एक्स्ट्रा डोज केबल वाला ये ब्रिज बन रहा है। न्यू एमजी सेतु जो आपका बन रहा है, एक्स्ट्रा डोज केबल वाला ब्रिज बन रहा है। चलिए कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों को उसके बारे में दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यू एमजी सेतु है उसका यहाँ पर देख लीजिए बोर्ड लगा हुआ, कुछ डिटेल्स है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो नया वाला महात्मा गांधी सेतु बनेगा, जो पुराने वाले गांधी सेतु जो बना हुआ है उसके समानांतर, उसके बगल में जो एक और 4 लेन का जो नया गांधी सेतु बनेगा, वो देख लीजिए कुछ इस तरह से वो दिखेगा। जो केबल वाला ब्रिज है, मतलब एक्स्ट्रा डोज केबल उसके अंदर लगेगा कुछ इस तरह से, जो आप लोगों को तस्वीरों में दिख रहा होगा। जो ड्राइंग यहाँ पर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए इसी तरह से कुछ दिखने वाला है, जो नया वाला गांधी सेतु बनेगा आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर में लिखा हुआ है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, बिल्कुल लिखा हुआ है। देख लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ 5.634 किलोमीटर लॉन्ग जो है न्यू ब्रिज बनेगा, इस तरह से केबल वाला जो 5.634 किलोमीटर जो बनेगा वो इस तरह मतलब केबल वाला बनेगा अप्रोच रोड को छोड़ करके। और उसके बाद में देख लीजिए इट्स अप्रोचेस पैरेलल टू द एक्सिस्टिंग एमजी सेतु एट पटना अक्रॉस रायवर गंगा फॉर्म 3.3952 किलोमीटर जो है सो समझ लीजिए यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर देख लीजिए NH-19 भी लिखा हुआ है, NH-19-8 पटना इन बिहार इन और EPC मोड। नेम ऑफ क्लाइंट देख लीजिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पथ निर्माण विभाग बिहार पटना यहाँ पर लिखा हुआ। और प्रोजेक्ट लेंथ है जो है वो टोटल जो प्रोजेक्ट लेंथ रहेगा अप्रोच रोड मिला करके 14.5 मतलब 14.5 किलोमीटर का। और देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है 14.5 किलोमीटर का जो है सो ये प्रोजेक्ट है। टोटल 14.5 मतलब ऑफ NH-19 में जाकर ये कनेक्ट। नेम ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टर है SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। उसके बाद हिंदी में भी पूरा यहाँ पर विवरण लिखा हुआ है आदेशानुसार। यहाँ पर बिल्कुल नीचे में देख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर भाई प्यार बना के रखिए, ऐसे ही रेगुलर जो है अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे और मिलता रहेगा आप लोगों को अपडेट। फिर मिलते हैं आप लोगों को कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।